आज ही के दिन 1757 में ऑस्ट्रिया की सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का प्रथम विभाजन किया। आज ही के दिन 1915 में ब्रिटेन ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया। आज ही के दिन 1944 में भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का जन्म हुआ। लच्छू महाराज एक स्वाभिमानी एवं पारंपरिक कलाकार थे। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी तबला बजाया। सन 1972 में भारत सरकार की ओर से लच्छू महाराज ने 27 देशों का दौरा किया था। 1972 में ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित करने का प्रस्ताव दिया गया, किंतु उन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया। वे कहते थे, श्रोताओं की वाह और तालियों की गड़गड़ाहट ही कलाकार का पुरस्कार होता है। आज ही के दिन 1948 में प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्म हुआ। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। हेमा मालिनी ने अपने 4 दशक के सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं सीता और गीता, शोले और बागवान आदि। हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। आज ही के दिन 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या की गई। आज ही के दिन 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया। आज ही के दिन 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1984 में दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेसमंड टूटू को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और आज ही के दिन 2012 में सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी बीबी का पता चला।